शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज के बाद अगर तूने अंजलि को हाथ भी लगाया वरना इसी रॉड से जी, आप प्लीज ये छोड़ दीजिए। अंजलि तुम इसे प्लीज मत बोलो। मेरे रहते ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये तुम्हें हाथ नहीं लगा सकता। तू बहुत ठेठ है। सगाई के वक्त भी अंजलि ने तुझे बार बार मना किया, फिर भी तू अपने प्यार मोहब्बत की रट लगाकर बैठा है। तू इसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। पहले ये बता तू है कौन। चल निकल यहां से। निकल निकल निकल। पापा पुलिस को फोन कीजिए, ये ऐसे नहीं मानेगा। मथुरा क्या, पूरी यूपी की पुलिस बुला ले। ये आदित्य है, मेरी बेटी प्रिया का बेटा। नहीं, हमारी कोई बेटी नहीं है। एक थी तो 26 साल पहले हमारे लिए मर गई है। नहीं, मैं आपकी बात नहीं मानता नाना जी। आपने मेरी मां और अपनी बेटी को अपनी जिंदगी और इस घर से बाहर फेंक दिया था। लेकिन लाख कोशिशों के बाद आप मुझे यहां से फेंक नहीं पाएंगे। मैं आपकी बात मानने से इंकार करता हूं। ए, अफवाह बंद कर अपनी, चल निकल यहां से। कोई रिश्ता नहीं हमारा तुझसे, निकल। इंतजार करो मेरे लौटने का, बहुत जल्द इस घर में तूफान बनकर लौटूंगा मैं। बड़े दादू, ये कौन सा राज है जो आपने आपने मुझे कभी बताया नहीं? ये बद दिमाग बेअकल आदमी था कौन? जबान संभाल के बात कर यश, सुना नहीं तूने? वो मेरी बेटी प्रिया और तेरी बुआ का बेटा है, और जिसे इन लोगों ने बरसों पहले घर से निकाल दिया था, और आज उसके बेटे को भी निकाल दिया। अपने ही लोगों ने कैसे परायों जैसा व्यवहार किया उसके साथ? हमने जो कहा वो समझ में नहीं आया तुम्हें? वो हमारे लिए मर चुकी है। और उसके बेटे के साथ हमारा कोई संबंध नहीं। और याद रहे, आज के बाद वो लड़का इस घर में नहीं आएगा।
इतने सालों बाद ये यहाँ क्या करने आया है? लगता है इसके शराबी बाप ने इसे यहाँ भेजा होगा। कैसे नशे में धुत था, ना कोई संस्कार ना किसी का लिहाज, तब भी हमने प्रिया को कितना समझाने की कोशिश की कैसे शराबी इंसान से शादी ना करे, लेकिन वो मानी नहीं। और ये आदित्य बिल्कुल अपने बाप तक गया है। लोग सही गए हैं, जैसी नस्ल होगी वैसी ही उसकी फसल होगी। जबान को लगाम दो उमा, तू मेरे नाते के बारे में बोल रही है। भाई जी, उमा बिल्कुल ठीक कह रही है। आपने देखा नहीं वो क्या कर रहा था यहाँ? अपने बेटे का किया नहीं दिखाई दे रहा? शादी का वादा किसी और से किया और ऐन वक्त पर पलट गया। ताई जी, ताई जी, आप उस आदित्य की तुलना हमारे यश से कर रहे? वो आपका नाती है तो उसके प्यार में आप सही और गलत की पहचान करना भी भूल रही हैं क्या? सबके अपने अपने सही और गलत होते हैं मुकेश। मैं आज तक नहीं भूली कि तूने ही मेरी बेटी को इस घर से निकाला था। अब उससे भी तेरा दिल नहीं भरा कि आज मेरे नाती को भी धक्के मार के निकाल दिया। ये बड़ी दादी क्या कह रही थी? आज तक आपने मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। अगर बताने लायक बात होती तो जरूर बताता बेटा। गुजरे हुए कल को दोहराने का अब कोई मतलब नहीं है। तू इन सब चक्रों में मत पड़। आज तेरी और अंजलि की जिंदगी की एक नई शुरुआत हुई है। तू बस अपना मन दुखी मत कर। बहुत रात हो गई, जाओ आराम कर लो। अब मैंने कहा ना बेटा, वो मेरी माँ का भी घर है, मेरा भी अधिकार है उस पर। उन लोगों ने मुझे वहां से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया, जैसे 26 साल पहले मेरी माँ को बाहर निकाला था। एक तरफ वो नाना जी कहते हैं कि मैं उनका कुछ नहीं लगता, और दूसरी तरफ वो यश जो मेरी अंजलि के पीछे पड़ा हुआ है। मैं और सहन नहीं कर पाऊंगा। देख लूंगा उन घर वालों को भी और यश को भी। मेरा भी अधिकार है उस घर पर और अंजलि पर भी। तुम बेफिक्र रहो, अब मैं तुम्हारे साथ हूं। अब वक्त आ गया है तुम्हें तुम्हारा हक दिलवाने का। मैं देखती हूं कि कौन रोकता है तुम्हें। सिर्फ हक नहीं, मुझे मेरा प्यार भी चाहिए। किसी भी तरह मुझे अपनी अंजलि को यश से दूर करके उसे अपना बनाना है, किसी भी तरह। एक अनोखे बंधन से बंधी अंजलि की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।